आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एफसीआई के अंदर अगर आप जॉब करते हैं और दूसरा बंदा बैंक के अंदर जॉब करता है तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों के नोटिफिकेशन अभी आए हुए हैं और दोनों के एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन शॉर्ट आपको जल्दी जल्दी ये चीज समझा दूंगा कि कौन सी जॉब आपके लिए ज्यादा सूट करती है, या जो आपकी प्रकृति है, आपका नेचर है, उसके अंदर आपकी जॉब, आपको कौन सी जॉब सूट करेगी, बैंक वाली करेगी, एफसीआई वाली करेगी। तो वीडियो के एंड तक देखना आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी जॉब सूट करेगी। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको बैंक वाली ज्यादा सूट करेगी और कुछ होंगे जिनको एफसीआई की ज्यादा मतलब सूट करेगी। तो हम इनके कुछ एक 10-12 पॉइंट्स मैंने इनके ऐसे बनाए जिस जो इनका डिफरेंस दोनों में क्रिएट करते हैं, और ये कंपेरेटिव एनालिसिस के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफसीआई के अंदर क्या होता है, कि जॉब प्रोफाइल देखो इनकी कि कैसी होती है। बैंकिंग के अंदर क्या होता है, चाहे आप बैंक क्लर्क हो या पीओ हो, मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल रिस्क भी रहती है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पोस्टिंग आ जाए तो आप पब्लिक डीलिंग से बच सकते हो। लेकिन एफसीआई के अंदर ऐसा है कि आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, वहां आपका बैक ऑफिस वर्क रहता है, जो आपको नॉर्मल काम जैसा ऑफिस में होता है उन सब कामों से आपको डील करना होता है। होता क्या है कि बैंकिंग के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी पोस्ट होती है, जैसे लॉ ऑफिसर हुआ या हिंदी ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी होते हैं। तो इन लोगों की जो जॉब होती है वो बैक ऑफिस टाइप ही होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग पीओ या क्लरिकल में सेलेक्ट होते हैं। तो मैं उनके प्रस्पेक्टिव मतलब उनके दृष्टिकोण से ही इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। तो पीओ क्लर्क जो होते हैं उनका मैक्सिमम पब्लिक डीलिंग का काम होता है, उनको फाइनेंशियल रिस्क भी होती है और उनको टारगेट ओरिएंटेड वर्क रहता है, वर्क प्रेशर उन पे ज्यादा रहता है एफसीआई के कंपैरिजन में। एफसीआई में कोई टारगेट ओरिएंटेड इतना वर्क नहीं रहता है। एफसीआई के अंदर खास करके जो जनरल कैडर होता है उसकी काफी रिलैक्स लाइफ होती है एक बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के कंपैरिजन में। लेकिन एफसीआई के अंदर एक और प्रोफाइल होती है, वो होती है डिपो कैडर वाली। उसके अंदर जरूर काफी सारे बच्चे जो वहां काम करते हैं, मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया कि डिपो का से काम करने से बेटर है बैंक के अंदर क्लर्क या पीओ बनना, क्योंकि डिपो की जो जॉब होती है वो 24/7 चलती है। आपको रात को 2 बजे 3 बजे भी बुला लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर फील्ड वर्क का काम होता है। तो इसलिए अगर आप एफसीआई में जॉब करते हैं तो अगर आपकी AG3 जनरल में लगती है तो आपके लिए दुनिया अलग तरह की होगी, डिपो में लगती तो अलग तरह की होगी। और बैंकिंग के अंदर अगर आप पीओ क्लर्क बनते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपकी रहती है। दूसरा डिफरेंस अपन यहां लेके चलते हैं कि प्रमोशन का इसके अंदर कैसा चांसेस होता है। तो देखो, अगर आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन लेना है तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आदमी को बहुत जल्दी जीएम, डीजीएम, ईडी, एमडी तक भी पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के अंदर हर 3 साल में आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको क्लर्क से पीओ बनना है तो आपको 3 साल के अंदर आप क्लर्क से प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। स्केल 1 से अगर आपको स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट पे जाना है तो आप 3 साल में बन सकते हैं। तो यानी अगर कोई बैंक क्लर्क बनता है तो वो 6 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन सकता है बैंक का, प्रमोशन एग्जाम क्लियर करके। लेकिन एफसीआई के अंदर ऐसा नहीं होता। एफसीआई के अंदर जो प्रमोशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, वो इतना फास्ट नहीं होता है जितना बैंकिंग में होता है। बैंकिंग में जब तक आप 2 से 3 प्रमोशन ले लेंगे तब एफसीआई में जाके 1 प्रमोशन बनता है। और ये जो प्रमोशन का प्रोसेस होता है एफसीआई में, ये अलग तरीके से होता है। जैसे बैंकिंग के अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, एफसीआई में जो प्रमोशन होता है वो सीनियोरिटी बेस पे होता है, वो बैंकिंग के जैसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको प्रमोशन जल्दी लेना है और लाइफ में जल्दी आपके एम्बिशियस है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो आपको ज्यादा सूट करेगा। और इन दोनों के कंपैरिजन में बैंकिंग को थोड़ा ज्यादा एज मिलता है एफसीआई के कंपैरिजन। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी कैसी होती है। तो ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एफसीआई की सबसे खास बात ये होती है कि एफसीआई में जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, चाहे AG3 की हो या मैनेजर की हो, वहां पे जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। लेकिन बैंक के अंदर क्या होता है, जो बैंक पीओ होता है उसकी पूरे भारत में पोस्टें निकलती है और आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो इनिशियल पोस्टिंग का तो मैंने आपको समझा ही दिया। क्लरिकल लेवल पे ये होता है कि इसमें स्टेट वाइज निकलती है बैंकिंग में, तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो आप उसी स्टेट में रह सकते हो लाइफ टाइम के लिए, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो। बैंकिंग के अंदर जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है वो काफी कुछ प्रमोशन पे डिपेंड करती है। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो स्केल 1 के बाद, तो काफी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो स्केल 1 रहते हुए एक ही स्टेट में अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप प्रमोशन लेते हो तो आपकी पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। घर से 2000 किलोमीटर भी लोग जाते हैं, 1000 भी जाते हैं, 500 किलोमीटर भी जाते हैं, ये सबकी अपनी अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है।
एफसीआई के अंदर ऐसा है कि ये जोन वाइज निकलती है, तो आपने जिस जोन से अप्लाई किया है अगर आपको जोन चेंज करना है तो एफसीआई मौका देता है 2 से 3 साल में अपना जोन आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जोन चेंज नहीं करना है, जैसे मैं नॉर्थ जोन का हूँ या वेस्ट जोन का हूँ, मैंने वहां से अप्लाई किया तो मैं चाहूँ तो मैं लाइफ टाइम उसी जोन के अंदर रह सकता हूँ एफसीआई में। लेकिन बैंकिंग के अंदर अगर मैं प्रमोशन लेता हूँ तो वहां की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। तो ट्रांसफर ऐसा पॉइंट है जो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, एफसीआई के अंदर और बैंक के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो सैलरी स्ट्रक्चर में एक चीज बताऊं, अगर हम इसके स्किल वाइज कंपैरिजन करें, जैसे AG3 जो क्लेरिकल लेवल की पोस्ट होती है और बैंक क्लेरिकल लेवल की जो पोस्ट होती है, उसके अंदर एफसीआई की सैलरी काफी ज्यादा होती है एक बैंक क्लर्क से। लेकिन जब हम मैनेजर लेवल की बात करते हैं और बैंक में पीओ लेवल की अगर हम बात करें, जो एफसीआई के अंदर मैनेजर लेवल की जो पोस्ट होती है और जो बैंक में पीओ लेवल की जो पोस्ट होती है, उनका हम जब कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये बराबरी सा मामला है, क्योंकि ऑफिसर को बैंक के अंदर अलाउंसेस काफी सारे मिलते हैं जो इतने ज्यादा एफसीए में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जब हम अगर हम स्टार्टिंग से बात करें बिल्कुल जीरो लेवल से, तो स्केल 0 को अगर हम देखें जो क्लेरिकल लेवल की पोस्ट होती है, तो उसमें एफसीए को ज्यादा एज मिलता है एक बैंक क्लर्क के कंपेरिजन में। अगर कोई चाहे कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, काफी लंबे टाइम तक एक ही स्टेट में रहना है और मुझे 10 to 5 की जॉब चाहिए, तो उसके लिए एफसीए ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें सैलरी उसको ज्यादा मिलती है। दोनों की सैलरी स्लिप का वीडियो हमने शेयर कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो देखो एग्जाम पैटर्न का ऐसा है कि दोनों का एग्जाम पैटर्न अमूमन सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनका एग्जाम पैटर्न में। इस बार जरूर है कि एफसीए ने जनरल स्टडी करके एक सब्जेक्ट डाल दिया जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि SSC का जैसा आएगा या बैंकिंग जैसा आएगा, इसका जो ओवरऑल पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न इनका लगभग सेम रहता है। अगर आपने SBI PO IBPS PO की बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपका एफसीए क्लियर होने का चांस काफी बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत 19-20 इसमें डिफरेंस हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है कि SSC लेवल का आया, लेकिन मैक्सिमम चांसेस इस बार भी यही है कि बैंकिंग लेवल का ही एफसीए का पेपर बनेगा। तो एग्जाम पैटर्न में इनमें दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। इसके बाद अगर हम देखें कि प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज आ रही है, तो बैंकिंग के अंदर देखो सीधी सी बात है कि अगर बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन का फियर तो है ही, क्योंकि अगर SBI को हम हटा दें तो बाकी सारे बैंकों के बार बार आए दिन निकल के न्यूज आती रहती किसी ना किसी माध्यम से कि आज ये बैंक प्राइवेट हो रहा है, आज वो बैंक प्राइवेट हो रहा है, इस बैंक की ये न्यूज आ रही है, इस बैंक की वो न्यूज आ रही है। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके अंदर एफसीए को एज है, क्योंकि एफसीए का प्राइवेट होना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो एक तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है, वो एक तरह सा NGO है एफसीए, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनका जिस तरीके का वर्क कल्चर होता है तो इसको प्राइवेट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बैंकिंग एक ऐसी चीज है कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर काफी सारी चीजें बदलने वाली है, और हर 10-15 साल में हम देखते हैं कि बैंकिंग में एकदम से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर एफसीए को ज्यादा एज मिलता है। अगर आपको लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब करनी है तो एफसीए थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है अभी के सिनेरियो को देखते हुए। इसके बाद जो इनका नोटिफिकेशन है, तो देखो बैंकिंग में क्या है, नौकरियां ज्यादा मिलती है। क्यों ज्यादा मिलती है? क्योंकि बैंकिंग का हर साल IBPS पहले से कैलेंडर रिलीज कर देता है, उसका 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है, हर चीज वहां पे एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है कि आपका अक्टूबर में क्लर्क का होगा, नवंबर में इसका होगा, SO का होगा, ये अलग अलग तरीके से इनका फिक्स रहता है, प्री मेंस हर साल का कैलेंडर फिक्स रहता है। और वैकेंसीज इसके अंदर थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि 10-12 बैंक इकट्ठे होकर अपना पेपर कराते हैं। लेकिन एफसीआई के अंदर ऐसा नहीं होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग में सेलेक्ट हो गए क्योंकि उनका उस वक्त एफसीआई का नोटिफिकेशन आया ही नहीं था जब वो तैयारी करते थे अपने पीक टाइम पे। तो एफसीआई का जो नोटिफिकेशन है वो कभी 3 साल में आता है, कभी 4 साल में आता है, कभी 2 साल में आता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 2 साल तक कंटिन्यू हर एक साल में भी आ सकता है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि एफसीआई अपने नोटिफिकेशन निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन बैंकिंग में ऐसा है कि IBPS SBI लगभग हर साल अपना नोटिफिकेशन निकालते ही निकालते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनका नोटिफिकेशन को लेके। इसलिए इस वक्त एफसीआई ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, और जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपना पूरा एफर्ट लगाएं उस एफसीआई के पेपर के लिए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन अपना नोटिफिकेशन निकाले। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चीजें और होती है इनमें, ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है। जैसे 5-day वीक को लेकर काफी सारे प्रश्न उठते हैं कई बार। तो 5-day वीक एक ऐसी चीज है कि बैंकिंग के अंदर तो 5-day वीक होता नहीं है, 2nd और 4th सैटरडे जो होता है बैंकिंग का उसके अंदर आपको ऑफ मिलता है सैटरडे। लेकिन एफसीआई के अंदर जो है ये ऑफिस वाइज डिपेंड करता है, जैसे इनका डिविजनल ऑफिस का थोड़ा अलग चलता है,
जो इनका रीजनल ऑफिस होता है वो अलग चलता है, फिर ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपके स्टेट में 5 डे वीक हो, तो एफसीआई अपना 5 डे वीक का एक अलग वो बनाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि एफसीआई के अंदर आपको 5 डे वीक देखने को नहीं मिलेगा, आपको सैटरडे जाना पड़ेगा। इनका महीने में शायद एक सैटरडे, मेरे को ध्यान है शायद सेकेंड सैटरडे ऐसा होता है कि इनको ऑफ मिलता है, तो बाकी सैटरडे यहाँ भी 5 डे वीक नहीं रहता है। और बैंकिंग के अंदर सेकेंड और फोर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पे आपको 5 डे वीक रहता है। फिर एक डिफरेंस की अगर हम बात करें कि वर्क प्रेशर किस में ज्यादा होता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। वर्क प्रेशर जो है, अगर हम AG3 जनरल को कंपेयर करेंगे बैंक प्योर क्लर्क से, तो AG3 जनरल में वर्क प्रेशर बहुत कम होता है बैंक क्लर्क और पीओ के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम AG3 डिपो को कंपेयर करेंगे क्लर्क और पीओ के कंपैरिजन में, तो मैं कहूंगा कि ये लगभग बराबरी का मामला है, या डिपो को थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि 24/7 की तरह जॉब होती है। कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं डिपो को लेके और काफी नेगेटिव चीजें भी एफसीए के बारे में बोलते हैं, तो इसलिए अगर आप डिपो को कंपेयर करेंगे तो वो एक अलग तरह का चीज है, और अगर AG3 जनरल को कंपेयर करेंगे तो वो एक अलग सिनेरियो में आपके सामने आएगी। अब फाइनली अगर आप देखें कि ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं, तो ऑफिस टाइमिंग फिर मैंने बता दिया, अगर आप AG3 जनरल में सेलेक्ट होते हैं तो आपका ऑफिस टाइमिंग 10 to 5 रहेगा। आप 10 बजे आराम से जाओ, 5 बजे अपना टिफिन उठाओ और वापस आप घर आ सकते हो। लेकिन बैंकिंग के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो आपका जाने का टाइम बैंक में जरूर होता है, लेकिन आने के लिए आपको बार बार अपने आसपास लोगों का चेहरा देखना पड़ता है कि वो उठे या नहीं उठे, क्योंकि बैंक में जाने का टाइम होता है, निकलने का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन बैंक क्लर्क अगर आप हो तो वही एफसीए वाली पोजीशन होती है जो जनरल कैडर की होती है, कि वो 10 बजे जाता है और 5 बजे आ जाता है। लेकिन एफसीए के अंदर भी जो डिपो कैडर होता है उसका 10 to 5 की जॉब नहीं होती है, ये मैं अपने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि वो 24/7 उनको वर्क कभी भी कॉल आ सकता है, उनको फील्ड पे उतरना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने एक बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे हैं जो दोनों का एक कंपेरेटिव एनालिसिस आपके सामने इस वीडियो के अंदर आपको देखने में मिला है। दोनों के नोटिफिकेशन अभी आ रखे हैं, दोनों के एग्जाम होने वाले हैं, बैंकिंग के कुछ एक के एग्जाम हो चुके हैं RRB वगैरह के, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी जी जान लगा के करें, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जब FCA ने भी नोटिफिकेशन निकाल रखा है, NABARD ने भी नोटिफिकेशन निकाल रखा है, IBPS के सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, SBI PO का सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इतनी अच्छी सारी न्यूज सामने निकल के आ रही है। तो आप लोग जो अभी ग्रेजुएशन में हैं खासकर की, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उनका ग्रेजुएशन अभी क्लियर हुआ है, तो वो इन सबके फॉर्म भरें, और अगर इन सब में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इस तरह के वीडियोस देखने के बाद ही डिसाइड करें कि हमको कहाँ जाना है और किस और जाना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।